दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को बीए एलएलबी की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। सुबह की पाली में आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए 1995 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 1568 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, 427 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। वहीं दोपहर की पाली में एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। इस प्रवेश परीक्षा के लिए 561 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 511 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए जबकि 50 अनुपस्थित रहे। इस मौके पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर में विभिन्न सेक्शन से प्रश्न आए थे, तैयारी के अनुरूप पेपर बढ़िया हुआ है, उम्मीद है विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभ्यर्थी दीक्षा सिंह, गायत्री प्रजापति, नीतू प्रजापति, सीमा यादव, शुभम यादव ने कहा, अंजलि सिंह। पेपर सर सही आया था, वैसे 10-12 क्वेश्चन मैथ से पूछे थे, बाकी 10-12 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा था उन्होंने, और कुछ ने 2-3 हमको लग रहा है हिस्ट्री से पूछा था, बाकी का और इंग्लिश का 10 क्वेश्चन था, और किसका था बाकी हिंदी दिवस पूछा था, नहीं उसका पर्यावरण दिवस पूछा था, बाकी ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा पेपर था। गायत्री प्रजापति, पेपर अच्छा था, बढ़िया था, क्वेश्चन भी बढ़िया थे, लेकिन ज्यादातर बच्चों को लगा था कि सिविक्स आएंगे, बट सिविक्स से नहीं थे, हर सब्जेक्ट से थे। नीतू प्रजापति, अच्छा आया था, टफ भी था और इजी भी था थोड़ा, कुछ हाँ पास हो जाएंगे शायद। सीता यादव, अच्छा आया था, फर्स्ट दफा था तो ठीक था, नॉर्मल भी था, टफ भी था, जो आया कि चांस हो जाएगा। जी शिवम यादव, पेपर सर बढ़िया आया था, और जो कुछ ज्यादातर क्वेश्चन जो है रिसेंटली करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी सब लॉ का बी एलएलबी का पेपर था सर, पेपर बढ़िया आया था, 98 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया सर। सर उम्मीद यही है कि निकल सकता है, क्योंकि मेहनत की है तो सर सफलता मिलेगी।